बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल के रेफरेंस हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जो वर्क वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, अब हम कुछ वीडियो स्टूडेंट्स के हवाले से भी दे देंगे, लेकिन जो विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, वो जब खुलते हैं कोई नए सेक्टर्स तो हम आपको इतला फौरन कर देते हैं। इसलिए अगर आपको टच में रहना है, फ्रेश मालूम चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा और खर्चा कुछ है नहीं। बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा कि नई वीडियो आ गई है, आप देख लें। हो सकता है आपके काम की हो सकता है आपके किसी दोस्त के या किसी भाई काम की हो, तो आपको फायदा ही होगा। अगेन मैं कह रहा हूं, आपको नुकसान कुछ है नहीं, क्योंकि फीस यहां कुछ है नहीं देखने के लिए। अब बात आती है कि आपका सवाल भी था और मैंने कुछ बताना भी था। वो ये था कि एक सवाल तो ये था कि सबसे आसान तरीन इमिग्रेशन कहाँ की पॉसिबल है, नंबर वन। उसके अंदर ये था कि कुछ इमिग्रेशन बहुत ही आसान है मगर वहाँ कॉस्टिंग बहुत लग जाती है और आप कहते हैं कि अगर इतना पैसा हो तो जाने की ज़रूरत क्या है, ये जवाब भी देना है। इसके अलावा जाने की ज़रूरत क्यों है, किसको है, मैं किसको मुखातिब कर रहा हूँ, और अगर आपके पास एक रुपए भी नहीं है तब आप कहाँ जा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तब आप कहाँ जा सकते हैं, तो इस वीडियो में तमाम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मैंने एक नहीं, तीन ममालिक की बात करनी है और तीनों ममालिक की अलग अलग कंडीशंस हैं। इन तीनों को मैं अपने हिसाब से आसान मानता हूँ और सेगमेंट वाइज बात कर रहा हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, अगर आपके पास काफी पैसे हैं तो आप फिर भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं, और अगर आप एवरेज हैं तो भी। तो मैंने तीनों कैटेगरीज को शामिल किया है। बाज़ औक़ात हम बात कर रहे होते हैं किसी सेगमेंट से, क्योंकि यहां पर हर किस्म के लोग बात सुन रहे होते हैं, तो कोई और बीच में जो है वो अपने ऊपर रख के उसको कह देता है कि जी आपने कैसी बात कर दी है। तो समझा करें कि यहां पर हर किस्म का इंसान मौजूद है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, कहीं की बात भी करूं, तो अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, यही होता है ना, अपर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हर जगह होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कुछ वीडियोस को अगर ऐसे आ जाए जो आपकी मतलब की ना हो, तो ये यकीन कर लें कि अगली वीडियो मेरे मतलब की हो भी सकती है। लेकिन यहाँ जो तीनों सेगमेंट्स हैं मतलब की वीडियो निकली आ रही है। पहले ही बात मैं करूंगा तो अगर मैं पूरे यूरोप को देखता हूँ और अमेरिका को देखता हूँ, इस तरफ मैं देखता हूँ, मगरब की तरफ देखता हूँ, तो आप लोगों के लिए शिंजन भी हो और फायदा मंद भी हो और आसान भी हो, तो वहां जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट स्टडी किए इस वीडियो से पहले, तो मुझे सबसे आसान ऑप्शन पुर्तगाल का लगा, जहां पर पेपर का काम भी आसान, जहां पर जाना भी आसान, एक रुपए की इन्वेस्टमेंट के बगैर ये काम वहां पर हो रहा है, और पाकिस्तान से आप जा सकते हैं या भारत से या बांग्लादेश से आप जा सकते हैं। तो ये पुर्तगाल जो है, आउट ऑफ ऑल दैट कंट्रीज, यानी कि पूरा 50 मुल्क जो यूरोप के हैं या 51 मुल्क यूरोप के हैं और तमाम मिला के बात कर रहा हूँ, पुर्तगाल में जाने के लिए अगर आप एक रुपए की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप कल जा रहे हो और कल आप फाइल भेजने वाले हो या खुद अप्लाई करने वाले हो। वीडियो को देखा करें मुकम्मल, ताकि आपको जो सवाल आप लोग कर रहे होते हो टेलीफोन के ऊपर, और कंसल्टेंट आपसे कह रहा होता है बार बार कि प्लीज़ वीडियो देख लें, प्लीज़ वीडियो देख लें, तो क्यों कह रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कंसल्टेंट को कि तमाम के तमाम जवाब तो वीडियो में मौजूद हैं, लेकिन वीडियो को नहीं देखा गया, इसलिए वो सवाल हो रहे हैं। तो उसका फायदा यह है कि अगर ये वीडियो देख ले तो कम से कम इसको सारे सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे और पूरा प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। पुर्तगाल को फारिग करते हैं। पुर्तगाल के अंदर उन्होंने कहा है कि तकरीबन 660 या 670 यूरो अगर आप कमाते हैं ऑनलाइन, देखें मैंने कहा कमाते हैं ऑनलाइन, मैंने ये नहीं कहा कि आप बिजनेस से कमाते हैं, बिजनेस जो करते हैं लोग उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह करे वो 2000 यूरो कमाते हों, लेकिन अगर बिजनेस से कमाते हैं तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी सैलरी 700 यूरो है तो ये उन लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। ये किन लोगों के लिए है, जो ऑनलाइन कमाते हैं और ऑनलाइन प्रूफ दे सकते हैं, या वो रेंटल पे कोई प्रॉपर्टी दी हुई है या कोई गाड़ियां वगैरह रेंट पे दी हुई हैं, यानी कि आम सान जबान में इसे कंपाइल करोगे तो आप इसे कहोगे पैसिव इनकम, जिसमें आपकी एफर्ट उस तरह नहीं होती कि आप कहेंगे कि सर अगर आपने मुझे पुर्तगाल बुला लिया तो मेरी बिजनेस बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन काम करने वाले जहां जहां मर्जी चले जाएं, आप किसी भी शहर में बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मतलब कराची में बैठो, लाहौर में बैठो, लाहौर में बैठो तो पुर्तगाल में बैठ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है।
ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इतना पड़ेगा कि अगर आप लाहौर में हो या कराची में हो तो आप बैंक अकाउंट आप चाहोगे कि वो उसी शहर का इस्तेमाल हो, लेकिन अगर आप जाओगे पुर्तगाल तो पुर्तगाल का जो आपका जो बैंक अकाउंट है, जो फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो एडसेंस अटैच है तो आप एडसेंस को बोलोगे कि भाई मैं आपको अकाउंट नंबर अपडेट कर रहा हूं, इस अकाउंट में पैसा डाल देना। वो पैसे कराची या लाहौर नहीं पहुंचेंगे, वो पैसे पुर्तगाल में आपको विड्रॉ होंगे और आप वहां पर अपना काम शुरू, काम तो आप कर ही रहे हो ऑनलाइन, काम तो नहीं रुक रहा आपका। इसलिए उन लोगों के लिए पैसिव इनकम, अब जो लोग रेंट पे प्रॉपर्टी दिए हुए हैं वो पाकिस्तान में रहे या पुर्तगाल में रहे, रेंट की प्रॉपर्टी तो कोई उनसे छीन नहीं रहा, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहां पर रहना होगा, आपको वहां पर रहना होगा। ये नहीं कि आप चले गए वापस आ गए और आपने कहा कि भाई मैंने अपनी कसम पूरी कर ली है, मैं आ गया हूं, अब मुझे पासपोर्ट दिला दें, नहीं, वहां पर आपको रहना होगा और आप 6 महीने लगातार पुर्तगाल से बाहर नहीं रह सकते। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो जाने वाले लोग होंगे उनको हम बता के भेजेंगे कि भाई ये पूरा पेपर है पढ़ लो, इसको आपने फॉलो करना है, लेकिन मैं आम जमाने पर बोल रहा हूँ 6 महीने से ज़्यादा आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आप वापस आ गए हैं तो 5 महीने आप रहिए, उसके बाद वापस जाइए, क्योंकि ये वीज़ा कहलाता है D7, तो आपको इसके ऊपर वापस जाना है, हाजिरी लगानी है, फिर वापस आ जाएं बेशक 5 महीने के लिए, 5.5 महीने के लिए, बट यू हैव टू लीव योर कंट्री, जो पाकिस्तान है, बिफोर 6 मंथ आपको करना है। अब अगर आप ज़्यादा वहाँ पर टाइम लगाएंगे तो आपको जल्दी पासवर्ड मिल जाएगा, अगर आप लेट लगाएंगे तो लेट मिलेगा, और इस दरमियान पे आप वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप वहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें अलाउ हैं। बहुत सारी खबरें और भी हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तो ये मालूम आपको पूरी मिल गई है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो क्या करना है वो भी सुन लीजिए, ताकि आप पहले फ़ोन करने से पहले आपको इतला कर दूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो अपॉइंटमेंट ले लें, अपॉइंटमेंट के लिए आपको हमारा ऑफिस मना कर देगा, बोलेगा हम आपको अपॉइंटमेंट लेके नहीं दे रहे, जेरीज है, फेडेक्स है या अम्बेसी है, जो भी है आप रब्ता करें, फ़ोन करें, फेडेक्स को फ़ोन करें, जेरीज को फ़ोन करें या आप अम्बेसी को फ़ोन करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, एक डेट आ जाएगी, एक डेट कल की तो नहीं आएगी, डेढ़ महीना 2 महीने बाद की आएगी, जब वो डेट आ जाए तो आपका फाइल बनाना हमारे लिए 1 दिन की बात है, जो भी डेट आएगी आपको टाइम के ऊपर काम हो जाएगा, आप खुद भी कर सकते हो, हमारे ऑफिस से भी करा सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद अगर आप रब्ता करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, वो है कनाडा का। कनाडा की हम बात क्यों कर रहे हैं, आसान क्यों बोल रहे हैं, कनाडा का आसान क्यों हम बोल रहे हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप एलिजिबल हों, ठीक है ना, और एलिजिबल कहाँ से होंगे, मैंने अभी अभी आपको वीडियो दी है, आपने देखी होगी, बहुत ही रिसेंट वीडियो है, इससे पहले की वीडियो वही वाली है, जहाँ आप अपनी असेसमेंट टेस्ट खुद भी कर सकते हो और हमारे ऑफिस को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा असेसमेंट कर दिया जाए, 80 प्रोग्राम्स के अंदर मुझे चेक कर लिया जाए, और इसके अलावा आप कह सकते हो कि मुझे गाइड कर दिया जाए, काउंसलिंग कर दी जाए, या आप खुद भी कर सकते हो canada.ca से। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हो तो आप अपनी ट्रैवलिंग बना लो, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, और ट्रैवलिंग हिस्ट्री के दरमियान ही आप कनाडा को ले लो, और कनाडा में जब आप पहुंच जाओ तो वहां पर जॉब कंसल्टेंट की अवेलेबिलिटी होती है, ऑफिस होता है, वो जॉब प्रोवाइड करता है, जो पेपर वर्क कर रहा होता है, लॉयर भी होता है वो, और वो कंसल्टेंट भी होता है, उसके पास कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, और वो आपको जॉब सेल करता है, वो सेल ही करता है, वो उसकी कुछ फीस चार्ज करता है वो, और वो जब फीस चार्ज करेगा आपको वो जॉब दिलाएगा और आपको बोलेगा कि जाना वाला अगला प्रोसेस भी मुझसे करवाओगे। अगला प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा चेंज करना, वापस भेजना, ये करना वो करना, उसे लालच यही होती है कि अभी हमसे काम करवा लेगा, तो उसका काम यही है। तो उस तरीके से भी आप PR ले सकते हैं। कनाडा क्यों देगा आपको PR, क्योंकि कनाडा के अंदर ज़रूरत है आपकी। क्या क्यों ज़रूरत है, अब आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए 2021, 2022, 2023, ये इन्हीं 2.5-3 सालों के अंदर उनको 13 लाख लोग लेकर आने हैं। तो जो मुल्क आपको नंबर बता दे कि मैंने हर कीमत पे 13 लाख लोग लेकर आने हैं, आप ये मुझसे पूछ सकते हो वजह क्या है। वजह अब मैं आपको बहुत लंबी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़मीन बहुत बड़ी है और लोग बहुत कम हैं। फैक्ट्रीज बन सकती हैं मगर लोग नहीं हैं, बिल्डिंग्स बन सकती हैं मगर लोग नहीं हैं। तो अगर लोग नहीं हैं तो लोग होंगे तो बिल्डिंग भी बनेगी, लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, लोग फैक्ट्रीज भी लगाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, काम होगा, तो कनाडा नीड्स यू। अब इसके अंदर इस तरह कोई बेकार लोग नहीं चाहिए उनको। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसे पहले पूरा कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। जब जब आप सुना होगा आपने, जब वर्ल्ड का वारा होता है
तो 5 साल पहले 4 साल पहले टीम क्या बोल रही होती है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 4 साल पहले हम वर्ल्ड कप की तैयारी। अब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फारिग लोग हैं, अनाड़ी हैं, वो क्रिकेट भाई नेशनल टीम के लोग हैं, मगर वो उस सोच से खेल रहे होते हैं कि हमने वर्ल्ड कप 4 साल पहले। तो आप लोगों भी ये नहीं होता है कि 15 दिन के अंदर जो है आप बोलेंगे PR दिलवाओ वरना ये फ्रॉड है। आपने भी तैयारी करनी है, ठीक है ना। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर आपको कोई ऐसा ही मिलेगा, कोई चाय के होटल बैठा हुआ जो फ्रॉड करेगा, आपको बोलेगा फिक्र कोई बात नहीं है, ये तो आपको पता नहीं कहाँ डाइवर्ट कर रहा है कि मेहनत करो ये करो वो करो, मैं आपको सिर्फ पासपोर्ट दो काम हो जाएगा, फिर वो काम कभी जिंदगी में होता हुआ मैंने देखा नहीं है। तीसरा ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो है माल्टा का। माल्टा का ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, वो जो शुरू में जो मैंने बता दिया आपको, जो मेरी तरह है जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है वो पुर्तगाल जाएगा, और जो थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकता है, ट्रैवलिंग करेगा, अपनी हिस्ट्री बनाएगा और कनाडा भी पहुंच जाएगा और वहां पर भी अपनी कोई भी जो भी उसकी फीस बन रही होगी वो देने को चाहेगा, तो कनाडा है उसके लिए, कनाडा बेस्ट है, PR मिलेगी और पासपोर्ट मिलेगा अच्छे खासा उसका। माल्टा वो लोगों के लिए बेहतरीन है, दो लोगों के लिए बेहतरीन है, एक वो जो ट्रैवलिंग करते करते माल्टा पहुंच जाए और माल्टा पहुंचकर वो वहां पर अपनी जॉब अप्लाई करे, चाहे वो होटल मैनेजमेंट में करे, टूरिज्म में करे, चाहे वो ड्राइवर बन जाए, कुक बन जाए, तो वो उसको वहां पर जॉब मिल सकती है और अपनी जॉब शुरू कर दे। वर्क वीजे पर रहेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, बाद में खुद कन्वर्ट करता रहे, लेकिन अगर वो कहते हैं मैंने फौरन PR लेना है, फौरन पासपोर्ट लेना है, तो फिर वो उस पर अगर मैं आपको चले बता देता हूं, आप नाराज नहीं होइएगा, लेकिन तकरीबन 6.5 लाख यूरो जो है वो आपसे कहते हैं कि आप गवर्नमेंट को डोनेट करें, मतलब जिस तरह होता है डोनेट कर दें, अब भूल जाए उसको, और हमसे आप पासपोर्ट खरीद लें, पासपोर्ट बेच रहे हैं, सीधी सी बात है, वो कहते हैं खड़े खड़े पासपोर्ट दे देंगे, पैसा निकालो जेब से, और उसके बाद कहते हैं बिजनेस करो जो भी करो, तो एक लंबी बात है, उसको हम नहीं करते। लेकिन आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि हल क्या है, आपने बता तो दिया, हल ये है कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सोचने लग गए हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं, तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन का डिप्लोमा है, आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं और नॉर्मल फीस आप देख रहे होंगे 70,000 रुपए, ये आपको देने नहीं है। इसके लिए हमारे पास चैनल के ऊपर 90% डिस्काउंट अवेलेबल है, 7,000 में आप इसको हासिल कर सकते हैं। और जो लोग को मैंने कहा कि माल्टा में जॉब करो, होटल मैनेजमेंट के हवाले से मैंने बात की, मैंने टूरिज्म के हवाले से बात की, मैंने जो एक पूरी फील्ड होती है हमारी एविएशन के अंदर मैंने बात की, उसके लिए ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोर्स एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म का है, ये आपको करना चाहिए, ये कर आप अपना सर्टिफिकेट हासिल करें और ये सर्टिफिकेट हासिल करके आप जो है माल्टा के लिए अप्लाई करें, तो माल्टा में आपको जॉब जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, ये उसकी ज़रूरत है। इसकी भी तकरीबन 15,000 रुपये फीस है, मगर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप पाकिस्तान में कहीं भी हो, ये दोनों कोर्सेज आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, इवन कि आप बाहर कहीं पर भी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो सऊदी अरब में है, दुबई में है, कहीं पर भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान में हो तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, आपके डोर स्टेप के ऊपर मिल जाएगा। आप शुरू में पेमेंट करना चाहें ना करना चाहें वो आप इंस्टीट्यूट से बात कर लें, आपको वो रिसीव करवा देंगे, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, वो सहूलत भी मौजूद है, वो भी हो जाएगा। मतलब आपको पढ़ने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल आया था कि इंस्टीट्यूट वहाँ है हम यहाँ हैं, तो वो आप ये जो दौर चल रहा है ना इसमें जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो फिर वो यहाँ मैं यहाँ तुम दूर मैं करीब वाली बात नहीं है, हर आदमी हर जगह तो हो सकता ही नहीं है, आप कहाँ कहाँ हो सकते हो। आप अगर पढ़ने के लिए लाहौर में हो या पढ़ने के लिए आप इस्लामाबाद में हो या आप दुबई में हो तो आप हो, और पढ़ाने वाला कहीं और है, तो इनको मिलाया किस तरह जाता है ऑनलाइन। दौर जो चल रहा है आपने उसको देखना है कि ये दौर ही अब ऐसा हो गया है कि अब कोई किसी से इतना दूर तो है ही नहीं, जिस तरह आप वीडियो कॉल करते हैं, आप चैट करते हैं, उससे भी कौन से पैसे खर्च होते हैं, अगर बस कनेक्शन है तो यू कैन डू। इसी तरीके से अगर आपके पास कनेक्शन है तो यू कैन डू। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।